विद द हेल्प ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस हमने बताया आपको कि यहाँ आप आपकी बेसिकली टू टाइप्स की प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी अगर बात करें हम लोग प्रोसेस की, प्रोसेस टू टाइप्स की प्रोसेस होती हैं। एक होती है आपकी फ्लो प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज नॉन फ्लो प्रोसेस। ठीक है, फ्लो प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि जब भी आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्किंग सब्सटेंस आपका बाउंड्री लेयर से सिस्टम के बाहर बाउंड्री को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो क्या होगा मतलब बेसिकली बियॉन्ड बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? सिस्टम की बाउंड्री से बियॉन्ड, मतलब सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जब आपका ट्रांसफर हो जाए क्या चीज आपका जो वर्किंग सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस में क्या होता है? नॉन फ्लो प्रोसेस में आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, देख लेते हैं प्रोसेस। अ प्रोसेस अकर्स व्हेन द सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज ही बेसिकली क्या कहलाती है आपकी प्रोसेस। सिंपल सी चीज कल मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें कि लाइक ए पीवी डायग्राम है किसी सिस्टम की, जिसमें ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। 1 से 2 पॉइंट पर आपकी स्टेट चेंज हुई। पहली स्टेट मान लो थी आपकी P1V1 सिस्टम की, और P1V1 चेंज होकर के हो गया P2V2। तो P1V1 से P2V2 में आपके मान लो कई तरीके के पाथ फॉलो हो रहे हैं। एक मान लो ग्रीन कलर का पाथ फॉलो हो रहा है, दूसरा मान लो ब्लू कलर का पाथ फॉलो हो रहा है, और तीसरा कंसीडर कर लो इसी 2 पॉइंट तक जाने पे आपका पर्पल कलर का पाथ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट एंड कंडीशंस दोनों की सेम है, बट पाथ आपके में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गई? प्रोसेसेस हो गई। ओके, सो चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो रहा है। पहले स्टेट थी फर्स्ट, फिर स्टेट थी क्या? सेकेंड। तो सेम चेंज इन स्टेट इज नोन एज द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लाइक अगर हम एक कंसीडर करें ये प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है, अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें हम लोग ये, तो इस सीधी लाइन के लिए आप क्या बोल सकते हो? प्रेशर क्या है इस पॉइंट पर? कांस्टेंट है। जितना प्रेशर इस पॉइंट का है P1, तो वॉल्यूम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं बट प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो आइसो बैरिक प्रोसेस। इसी टाइप से ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। इसी टाइप से आपकी सेकेंड टाइप की प्रोसेस होती है, मान लो वो है आपकी आइसो। वैसे इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट एन इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दूसरी मान लो आपकी आइसोक्रोरिक प्रोसेस। आइसोक्रोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मान लो ये प्रेशर वॉल्यूम आपका कर्व था, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये सीधी लाइन या तो 1 to 2 ऐसा होगा या फिर 1 to 2 इस तरीके का होगा। कब क्या कंडीशन होती है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दीज आर कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद क्लोज सिस्टम अंडर गोज अ नॉन फ्लो प्रोसेस। अ प्रोसेस मे बी अ फ्लो प्रोसेस इन विच मास इज एंटरिंग एंड लीविंग थ्रू द बाउंड्री ऑफ एन ओपन सिस्टम। ठीक है, एक प्रोसेस फ्लो प्रोसेस तब होगी जब उसमें जो मास है वो बाउंड्री को ओपन सिस्टम की बाउंड्री को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। लाइक एग्जाम्पल में बात करें एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट में क्या होता है कि एक तो आपका फ्लो होता है, किस चीज का फ्लो होता है? फ्ल्यू गैसेस का। और ये फ्ल्यू गैसेस इस एग्जॉस्ट से क्या होती है? बाहरी चली जाती है। मतलब ये एक सिस्टम था और इस सिस्टम से बेसिकली जो आपका वर्किंग सब्सटेंस था ये आप किस में पहुंच गया? ये सराउंडिंग्स में पहुंच गया। और ये क्या था आपका? एक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम। और यहाँ पर क्या, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? फ्लो प्रोसेस बोलोगे। और दूसरी चीज, सिस्टम कैसा होगा? ओपन सिस्टम होगा। एंड ओपन सिस्टम, अगर हम एक एग्जाम्पल आपके साथ कंसीडर करें कि आप बताइए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वेद अपना अनम्यूट करिए प्लीज। मुझे बताइए रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस होता है कूलेंट। ठीक है, कूलेंट होता है, कौन सा होता है? मैं आपको बता देता हूँ, लाइक फ्रियॉन गैस होती है ना। मान लो आपके फ्रियॉन गैस है, रेफ्रिजरेटर है, कोई कोई सी रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरते हैं कूलेंट के लिए उस गैस को बोलते हैं फ्रियॉन गैस।
R12 होती है, R14 होती है ना, R122 होती है, ये बेसिकली सारे कूलेंट्स हैं, ठीक है। इनके बारे में RSC में डिस्कशन बनता है, अभी कोई डिस्कशन का मतलब नहीं है, बट मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि जो गैस भरते हैं रेफ्रिजरेंट में कूलेंट के लिए, वो गैस होती है CO2। आपने पीछे देखा होगा रेफ्रिजरेंट में पीछे इस तरीके से जाली जाली सी बनी होती है फ्रिज में आपके, ठीक है, ये वर्टिकली ऐसे फिक्स होती है, ठीक है। तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूँ कि मुझे ये बताओ रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो कैसा है, पहली बात तो फ्लो है या नॉन फ्लो प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सी, वो फ्लो प्रोसेस या नॉन फ्लो प्रोसेस। सर वो नॉन फ्लो है क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा, वो इन एग्जैक्टली ट्यूब के अंदर ही रहता है। हाँ, तो सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, क्लियर है। उसमें जो आपका ये, इसमें ये मत समझना कि कूलेंट तो इसमें फ्लो कर रहा है इसलिए आपकी फ्लो प्रोसेस हो गई, नहीं, कूलेंट आपका इसके अंदर में पूरा रेफ्रिजरेटर के, क्या रेफ्रिजरेंट के बाहर आ जाता है क्या कूलेंट, नहीं, रेफ्रिजरेंट के बाहर नहीं आता, इन्हीं जो ट्यूब्स हैं, ये जो आपकी ट्यूब्स हैं कूलिंग ट्यूब्स, इन्हीं कूलिंग ट्यूब्स के अंदर में आपका 1 पोजिशन से 2 पोजिशन की तरफ फ्लो करता है, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस कहलाएगा क्लोज प्रोसेस। और प्रोसेस कौन सी होगी, ए क्लोज सिस्टम कहलाएगा, और जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, नॉन फ्लो प्रोसेस, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, इसको मैं ग्राफ से आपको समझाना चाहूंगा कि मान लो ग्राफ किस तरीके से बना हुआ, मैंने ग्राफ दिया है, मान लो स्टेट चेंज हो रही है 1 2 2, ठीक है, आपकी स्टेट चेंज हुई इस तरीके से, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, कर्व था पी एंड वी, कुछ भी हो सकता है, ये स्टेट चेंज हुई, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट स्लोप है, मतलब प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, चेंज हो रहा है। बट क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में वो प्रोसेस होती है जिसकी डिग्री ऑफ स्लोनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ स्लोनेस जो होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ स्लोनेस इज इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब आ चुका है, देखो आप अगर बात करते हो जैसे कि आपकी एक प्रोसेस है लाइक कंप्रेशन हो रहा है आपका इंजन में या एक्सपेंशन हो रहा है इंजन में, तो आपको पता है कि इंजन की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर असेंबली की बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो पिस्टन सिलेंडर असेंबली में जो आपका पिस्टन होता है ना, ये आपका जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन क्या करता है, मूव करता है किस डायरेक्शन में, आगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि ये जो होता है पिस्टन आपका, ये सिलेंडर की वॉल्स में रबिंग हो रही होती है उस जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होता है। अब अगर फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या करेगा, जितनी पावर ये इंजन आपका डेवलप कर रहा है क्या उतनी पावर ये व्हीकल को ट्रांसफर कर पाएगा, कभी नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, कुछ ना कुछ पावर आपकी लूज हो रही है, क्यों लूज हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर ना लग रहे हों, फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर ना लग रहे हों तो आपकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी इंजन की वो क्या हो सकती है, अप्रोच कर सकती है 100% एफिशिएंसी को, बट 100% एफिशिएंसी ना तो किसी सिस्टम की है, ना तो किसी इंजन की है, ना तो किसी मशीन की होती है, क्योंकि लॉसेस हर जगह अकर करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके लॉसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात कही जाए कि अगर हम जो प्रोसेस करा रहे हैं, स्टेट चेंज करा रहे हैं, मान लो 1 2 2, मान लो इसी पिस्टन की बात करें कि इस पिस्टन को 1 2 2 पोजीशन पे आप मूव करा रहे हो, तो इस 1 2 2 पोजीशन पर मूव कराने के लिए अगर एक क्वासी स्टैटिक टाइप प्रोसेस होगी, क्वासी स्टैटिक, अगर हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के टाइप की अगर हम इसमें प्रोसेस कराते हैं, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस की जो स्लोनेस है वो क्या है आपकी, इनफाइनाइट, स्लोनेस इनफाइनाइट का मतलब ये बहुत धीरे धीरे होती है, इसको इस तरीके से कुछ शो करते हैं कि इसको एक स्टेप में 1 2 2 पे न ले जा करके कई सारी स्टेप में इसको आगे बढ़ाते हैं, जिसकी इसकी स्टेप जिससे इसकी जो स्लोनेस है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, धीरे धीरे करके बहुत धीरे धीरे वही प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, जबकि होगा नहीं पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसकी डिग्री ऑफ स्लोनेस आपकी इनफाइनाइट होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि इसमें हमारे जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आपका जो भी मशीन होगा, जो भी आपका इक्विपमेंट होगा, इंजन होगा, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 100% को
अप्रोच करती है। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं प्रॉपरली जो आपको लिखना है। क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट। अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आगे आएंगे भी, दो तरीके की आपकी प्रोसेसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है रिवर्सिबल और दूसरी होती है आपकी इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सेम कि आपका, जैसे मान लो आपकी 1 to 2 प्रोसेस हुई, 1 to 2, ठीक है। और जब आपका 2 से 1 हो, 1 to 2 तो हो गई, जब आपका 2 से 1 हो तो सेम पाथ को ये प्रोसेस क्या कर जाएगा? जो 1 to 2 में आपका, मान लो 1 to 2 इस तरीके से हो रही, ये पर्पल कलर वाली, ये है 1 to 2 प्रोसेस, ठीक है। कि फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट पे सिस्टम गया, मान लो एक्सपेंशन हो रहा था, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे एक्सपेंशन हुआ, तो 2 पॉइंट से 1 पॉइंट पे आने के लिए क्या होना पड़ेगा? कंप्रेशन होना पड़ेगा, है ना। अगर ये आपका पीवी डायग्राम है, पी एंड वी, 1 to 2 पर आपका वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, 1 to 2 पे दिखाई दे रहा है सभी को ग्राफ में, अगर देख रहा है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स अगर ये हो रहा है कंप्रेशन, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो सॉरी एक्सपेंशन होता है। अब अगर हम 2 to 1 आए तो 2 to 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन करते टाइम और एक्सपेंशन करते टाइम जितनी हीट का लूज, जितने हीट का आपका लॉस हुआ था, अगर वो हीट का लॉस मेंटेन हो जाए तो इसका मतलब वो जो प्रोसेस हो जाएगी वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? रिवर्सिबल प्रोसेस। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या क्या रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल होती है? कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस हर जगह अकर करते हैं, हीट लॉसेस हर जगह अकर करते हैं, है ना, जिनकी वजह से न्यूक्लियर बेसिकली पार्ट का और भी कई सारे लॉसेस होते हैं, जैसे फ्यूजन एनर्जी होती है, फ्यूजन एनर्जी, ये सारी एनर्जी ऐसी होती है जिनका लूज, जिनका लॉस हो ही जाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती। लेकिन हमारा हमारा अप्रोच ये होता है कि हम कोई भी मशीन बना है तो उसमें जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, लाइक अगर हमने इंजन डिजाइन किया है तो उस इंजन में जो आपका, अगर मान लो कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो कंप्रेशन या एक्सपेंशन कैसा प्रोसेस हो? रिवर्सिबल प्रोसेस हो, जिससे होगा क्या कि 1 to 2 जाने में जितनी एनर्जी हमने इसको दी है, 2 to 1 में हमको उतनी एनर्जी सिस्टम से अगर मिल जाती है, तो ये सेम पाथ को फॉलो करेगा तो प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। बट ऐसा कभी नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि 1 to 2 प्रोसेस अगर ऐसी हो रही थी तो 2 to 1 प्रोसेस हमेशा इस तरीके से हो, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप की हो जाएगी, ऊपर से चली जाएगी, वो मतलब नहीं, बट सेम पाथ को फॉलो नहीं करती। दैट प्रोसेस इज आर नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। और मोस्ट ऑफ प्रोसेस आपकी क्या होती है? आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ही होती हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में क्या कह रहा है? क्वासी स्टैटिक मीन्स ऑलमोस्ट। अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक तो पहली बात है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्योंकि बहुत इनफाइनाइट डिग्री ऑफ स्लोनेस होती है, तो अगर इनफाइनाइट डिग्री ऑफ स्लोनेस होगी तो आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगा, और अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो 1 to 2 और 2 to 1 आने में कोई, जैसे 1 to 2 में क्वासी स्टैटिक है तो 2 to 1 भी हुई क्वासी स्टैटिक ही कंसीडर अगर करेंगे तो आपका ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज अ सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वही हमने दिखाया था ना, डैश डैश करके इसको मूव करा रहे थे, ये इस तरीके से जो मैंने शो किया, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसमें? सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, धीरे 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 करके इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इनफाइनाइट स्लोनेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। दैट इज नोन एज द क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। अब बात करते हैं साइकिल की। तो साइकिल क्या होता है आपका? साइकिल को कैसे डिफाइन करोगे? एनी प्रोसेस ऑफ सीरीज, एनी प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हुज एंड स्टेट आर आइडेंटिकल इन टर्म्स अ साइकिल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपकी प्रोसेसेस हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं, और 1 to 2 आने पर, मान लो 1 to 2 गया, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट जो हो जाए सेम हो जाए, तो मान लो 1 to 2 इस पाथ को फॉलो करते हुए गया, एक डिफरेंट टाइप की प्रोसेस थी, 2 1 to 2 पॉइंट है ये, 2 to 1 में पाथ डिफरेंट हो गया और ये दूसरे टाइप की प्रोसेस है, लेकिन इस सिस्टम की इनिशियल कंडीशन, यहाँ से चला, फर्स्ट से चला और फर्स्ट पे ही वापस आ गया, तो इस तरीके की अगर आपकी प्रोसेस होगी तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलोगे। और कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर? इरिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस को, अदरवाइज इसको आप साइकिल नहीं बोल सकते। 1 to 2 पे गए और
और 2 से 1 पे वापस आ गया। तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है एकदम, क्योंकि पाथ क्या हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहा है, सेम पाथ फॉलो हो रहा है, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस आप बोलते हैं। ठीक है, तो 1 से इनिशियल कंडीशन आपकी सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट आपके पाथ हो, ठीक है, दैट प्रोसेस आर नोन एज द दैट टर्म आर नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस और साइकिल। क्लियर है। अब बात करते हैं, यहाँ पर टू टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है आपका पॉइंट फंक्शन और एक होता है आपका पाथ फंक्शन। क्या होता है आपका पॉइंट फंक्शन और क्या होते हैं आपके पाथ फंक्शन, देखते हैं। पॉइंट फंक्शन विल टू प्रॉपर्टीज लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, देन दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज अ पॉइंट फंक्शन। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो पॉइंट के साथ में वेरी करती है, लाइक आपका प्रेशर हुआ है ना, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, एंट्रोपी हुई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी पॉइंट फंक्शन होती हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। आपका 1 पॉइंट तो P1 V1, सेकेंड पॉइंट तो P2 V2, जो पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं, V3 V3 है ना। तो ये सारी टेम्परेचर भी होता है, ये सारी जो प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी पॉइंट फंक्शन। और वो प्रोसेसेस, और दूसरी चीज़ आपका है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, पाथ फंक्शन का मीन्स देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी लोकेट ऑन अ ग्राफ बाय अ पॉइंट, कि ग्राफ में पॉइंट के हेल्प से लोकेट ना किया जा सके इनको, दैट आर नोन एज द पाथ फंक्शन, बट आर गिवन बाय अ एरिया ऑल्सो ऑन दैट ग्राफ। इन केस दैट द एरिया ऑन द ग्राफ पर्टेनिंग टू द पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोसेस, सच एज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द पाथ। सिंपली कि आप पॉइंट से डिफाइन ना कर सकें, लेकिन उन पॉइंट के थ्रू जो प्रोसेस हुई है, लाइक 1 2 2 पे गए और 1 2 2 से जाने पर ये आपकी प्रोसेस हुई, तो इसके नीचे का एरिया, जब आप क्या करोगे अभी आगे देखोगे, इसके नीचे का जो एरिया होता है ये होता है वर्क डन। इट मीन्स वर्क डन क्या होगा आपका पाथ, वर्क डन हुआ, एनर्जी हुई, ये सारी क्या होते हैं पाथ फंक्शन। बेसिकली जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं वो पाथ फंक्शन, जो पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं वो पॉइंट फंक्शन, या जो पॉइंट के साथ चेंज होते हैं उनको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, जो पाथ के साथ चेंज होते हैं वो पाथ फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद और बात करें कि बेसिकली जो पाथ फंक्शन होते हैं, हीट एंड वर्क आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो पाथ फंक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक होता है, ये होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल होता है किनका, पाथ फंक्शन का। पाथ फंक्शन का इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल होता है, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो आप किसी दूसरे टर्म के साथ में। क्लियर, इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, कोई बताएगा टेम्परेचर क्या होता है? दिव्य, टेम्परेचर क्या होता है भाई? सर द रेट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। एग्जैक्टली, टेम्परेचर होता है आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। इसकी 3 यूनिट होती है बेसिकली, सबसे पहले होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी यूनिट होती है आपकी केल्विन और तीसरी यूनिट होती है आपकी फॉरेनहाइट। ठीक है, ये तीन तीन आपकी यूनिट होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, लाइक केल्विन और इसके बीच में रिलेशनशिप होता है डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ये डिग्री सेंटीग्रेड +273 केल्विन। ठीक है, एक होता है C/5 F-32/9, ये रिलेशनशिप होता है आपका डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट के बीच में। ठीक है, आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहे हैं, वेद वेद हाँ जी सर। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आपको इलनेस होती है, फीवर होता है, तो जो डॉक्टर आपको टेम्परेचर बताता है उसकी यूनिट क्या होती है? वो फॉरेन हाइट में बताता है सर। अमृत, फॉरेनहाइट डिग्री उसका होता है यूनिट। हाँ जी, फारेनहाइट ही होता है। दिव्य,
आपके अकॉर्डिंग क्या है भाई? वो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मुझे 105 डिग्री बुखार हो गया, लैंग्वेज में तो इस तरीके से यूज करते हैं मोस्टली। फेरिनिटी होती है। अभी सीख गए हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे कंपनी को टेम्परेचर भेजना पड़ता होगा आई थिंक सो, है ना, इस वजह से फॉरन की चीज़ समझ में आ गई। वैसे ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं कि एक सौ बोलते इसी लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो यार मेरे को 104 डिग्री फीवर है, 104 डिग्री फीवर हो जाएगा तो आपकी बॉडी में 70% वाटर है ना, और आपका जो बॉडी जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक हंड्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम भी या वेपर भी आपका कितने डिग्री में स्टार्ट जाता है, 100 डिग्री पे। बॉडी में साला 70% आपका वाटर है और आप बोल रहे हो 104 डिग्री हो गया, जबकि 104 पे स्टीम में कन्वर्ट जाता है ना। जैसे ही 100 डिग्री पहुंचेगा आपके बॉडी के 70% वेपराइज हो जाएगा, 30% बचेगा, उसमें भी वो भी क्या होंगी, हड्डियाँ पड्डियाँ, बाकी जो जरूरत की चीज़ें वो सारी की सारी वेपराइज हो जाएंगी स्टीम में कन्वर्ट के लिए। इस चीज़ को थोड़ा सा बाई लैंग्वेज याद रखना है, जो ये केल्विन होता है, अभी तो सभी को पता चल गया जैसे लॉकडाउन में, ठीक है। ये जो टेम्परेचर होता है ये डिग्री सेंटीग्रेड में बॉडी का नहीं है मेजर करता है, और जो आपका थर्मोमीटर होता है ये होता है किसमें, केल्विन। ये आपका टेम्परेचर का छोटा सा टॉपिक था। अब स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं 0 लॉ के, ठीक है चलो देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 0 लॉ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सिंपल सा है इसका स्टेटमेंट। कंसीडर करो आपके पास 3 बॉडी है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है सी। आपसे इसने कहा कि ए बी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। याद रखना थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, आपको पता है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम को मतलब ये है कि इन बॉडीज में तीन तीन तरीके के इक्विलिब्रियम है, कौन कौन सी, केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल, ठीक है। ना तो केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है, ना तो कोई अनबैलेंस फोर्स है, ना तो किसी तरीके का टेम्परेचर चेंज इनमें हो रहा है। तो इसने ये कहा कि अगर 3 बॉडी हैं, एक बॉडी ए है, ए बॉडी बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, और दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है कि बॉडी बी बॉडी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो ये नेसेसरी होगा कि बॉडी सी जो है वो ए के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी ही होगी। देखने में आपको फालतू टाइप का लग रहा है बट ये फालतू टाइप का नहीं है, अकॉर्डिंग टू थर्मल ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जिसको एग्री करना चाहिए, ऐसा होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मो, बस इसी स्टेटमेंट को उन्होंने बोल दिया, दिस इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेट दैट इफ टू सिस्टम्स आर ईच इक्वल इन टेम्परेचर टू अ थर्ड, जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, दे आर इक्वल इन टेम्परेचर टू ईच अदर। और भी इंटरेस्ट दे रखे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर बॉडी वन जो है सेकंड के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी टू थ्री के साथ में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर नेसेसरी होगा कि बॉडी वन जो है वो थ्री के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगी ही होगी। दैट इज द 0th लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये सब नहीं आता, ये थर्मोमीटर के बारे में बेसिकली बता रखा है, ये सारी चीज़ें नहीं आती आपके में, किसी आपके में भी नहीं आती दिव्य, ठीक है। ये कराया तो नहीं गया दिव्य, आपके में थर्मोमीटर तो नहीं कराया गया, वैसे आते नहीं है ये दिव्य। थर्मोमीटर सर नहीं हुआ है हमारा। ठीक है ठीक है, नहीं आते भी नहीं, मुझे लगा शायद ऐसा ना हो, वैसे नहीं आते। इसके बाद सीधा चलते हैं हम रिवर्सिबल है। ये प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज हैं बेसिकली, मैनोमीटर वगैरह, ये आपके फ्लूड में आते हैं, थर्मल में नहीं आते हैं, फ्लूड के बेसिस से ये इंपॉर्टेंट है आपके। वगैरह सब प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस है। नेक्स्ट वही बात कर रहे हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन
which can be stopped at any stage and reversed so that the system and surrounding are exactly restored their initial states. ठीक है, और अलग अलग क्या है, इट मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑन द रिवर्स पाथ एज वर इनिशियली लिस्टेड ऑन द फॉरवर्ड पाथ. कि अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है 1 to 2, तो 1 to 2 से 2 to 1 में पहुंचने के लिए इसको, अगर सेम पाथ सिस्टम अगर सेम पाथ को फॉलो करता है, तो इट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस इज पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल हो सकती है कब, जब फ्रिक्शनलेस रिलेटिव मोशन हो, जो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता. फ्रिक्शन हर जगह होता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सारी की सारी सरफेस कितनी भी स्मूथ कर लो, रफ होती ही होती है. रफनेस होगी तो आपका फ्रिक्शन जरूर होगा, फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो कभी भी ये पाथ को फॉलो, जो रिपीट पाथ है 1 to 2, 2 to 1, कभी भी सेम नहीं है. दूसरा रीजन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग. इस केस में आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो, बट ऐसा तब भी नहीं होता. अगर एक बार आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, तो क्या जरूर, क्या आप ऐसा इमेजिन करते हो कि इसमें कोई भी मॉलिकुलर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो भी मटेरियल आप बनाते हो, उसमें कुछ ना कुछ एयर गैप जरूर होता है. कोई भी मटेरियल फुली आपका डेंस नहीं होता है, ठीक है, कंप्रेस हर मटेरियल होता है. सिर्फ आप अगर कुछ कार्बाइड्स छोड़ दो, है ना, कुछ कंपोजिट मटेरियल छोड़ दो, तो और डायमंड छोड़ दो, तो इनके अलावा ज़्यादातर मटेरियल क्या होते हैं आपके, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा बहुत ही सही, उनमें कंप्रेशन हो ही जाता है. फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द फ्लूड. एडियाबेटिक तो सिंपल सी चीज़ है कि ना तो एनर्जी ले रहा है ना तो एनर्जी दे रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है. बट वो भी प्रोसेस, वो भी रिवर्सिबल नहीं होती. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अगर करता है. पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन कंप्रेशन आइसोथर्मल इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपकी कैसी होती है, रिवर्सिबल में कंसिडर करी जाती है. इरिवर्सिबल क्या होती है, सिंपली एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच हीट इज ट्रांसफर टू द फाइनाइट टेम्परेचर. ठीक है ना, हीट आपकी ट्रांसफर हो ही जाएगी, या तो सिस्टम से या सराउंडिंग में, या तो सराउंडिंग से सिस्टम, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी हीट ट्रांसफर हो ही जाती है. इसलिए जो 1 to 2 पाथ हमने फॉलो किया है, ये पाथ बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता है. 2 to 1 में जब जाएगा, तो कोई ना कोई अदर पार्ट को फॉलो करेगा और ये बना लेगा एक साइकिल. ठीक है, ठीक है. अब इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है इसका, बेसिकली जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन. क्या मतलब है साइन कन्वेंशन? मतलब दो तरीके की चीजें हैं. आप मान लो कंसीडर है आपका एक सिस्टम, दो तरीके की चीजें ट्रांसफर होगी. एक है हीट, यहां हम बात करेंगे हीट की, यहां हम बात करेंगे वर्क. ठीक है, तो अगर सिस्टम हमको वर्क दे रहा है, हमको अगर वर्क मिल रहा है, मतलब सिस्टम से बाहर अगर वर्कडन आ रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव. हमको अगर सिस्टम पे वर्कडन करना पड़ रहा है, तो वो होगा निगेटिव. अगर एनर्जी हमको मिल रही है सिस्टम से, तो वो होती है निगेटिव. अगर हमको सिस्टम की एनर्जी देनी पड़ रही होती है, तो वो होती है हमको पॉजिटिव. ठीक है, अच्छी चीज़ है कि हमको वर्कडन मिल रहा है, दैट्स द वर्कडन इज पॉजिटिव. ये तो अच्छी चीज़ है ना, तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है कि वर्कडन हमको मिल रहा है. तो जब भी वर्कडन मिलेगा, इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव. समझ रहे हो ना प्रैक्टिकली? दूसरी चीज, ये अच्छी चीज नहीं है कि हमको सिस्टम को एनर्जी देनी पड़े, तो ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है. तो एनर्जी देना कहीं से भी पॉजिटिव नहीं होता है. क्लियर है? तो बट यहाँ पर हाँ, जो आप जब अगर आप एनर्जी दोगे, तो आपकी एनर्जी खर्चा हो रही है, इट मीन्स आपको पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा. हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पर हमको वर्कडन मिल रहा है, इसलिए पॉजिटिव. ठीक है, दूसरी चीज सिस्टम, हाँ अगर एनर्जी हमको मिल रही होगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव. उसका साइन आप कैसा कंसिडर करोगे, माइनस. मतलब सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर आ रही है, इट मीन्स निगेटिव. सिस्टम को एनर्जी अगर हमें देनी पड़ रही है, तो पॉजिटिव. एनर्जी के केस में हम दे रहे हैं या हम ले रहे हैं, वर्कडन के केस में वर्कडन हमको मिल रहा है या फिर हमें वर्कडन करना पड़ रहा है. डिफरेंस समझ में आया? सिस्टम के केस में हम एनर्जी दे रहे हैं या हम एनर्जी ले रहे हैं, उसके हीट के केस में. वर्क के केस में हमको वर्कडन मिल रहा है या फिर हमें वर्कडन करना पड़ रहा है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, फिर से एक बार देख लो. कोई सिस्टम है, अगर आप इसको एनर्जी दे रहे हो तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है तो निगेटिव. सिस्टम है, अगर इसमें आप वर्कडन कर रहे हो, वर्क कर रहे हो तो निगेटिव, सिस्टम से वर्क बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव.
तो बहुत तरीके से याद रखना, न्यूमेरिकल है इसके लिए तो काफी ज्यादा। तो हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड और गिवेन अप बाय द सिस्टम इज माइनस। बर्तन के लिए तो क्या, ये रहा वर्क आउटपुट ऑफ द सिस्टम, मतलब आउटपुट पे हमको वर्कडन मिल रहा है, इट मीन पॉजिटिव। वर्क इनपुट टू द सिस्टम, हमें वर्कडन इनपुट पे देना पड़ता है, इट मीन निगेटिव। ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल वर्क की। क्या होता है रिवर्सिबल वर्क? लेट अस कंसीडर एन आइडियल फ्रिक्शनलेस फ्लूइड कंटेंड इन अ सिलेंडर अबव अ पिस्टन एज शोन इन फिगर। एज्यूम दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड आर यूनिफॉर्म। एज्यूम दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड आर यूनिफॉर्म एंड दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉल। जाहिर सी बात है, अगर आपका फ्रिक्शन नहीं है सिलेंडर एंड वॉल के बीच में, इट मीन आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि वर्क डन है वो रिवर्सिबल वर्क डन मिल सकता है, बट जबकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल वर्क डन की बात करेंगे तो रिवर्सिबल वर्क डन आपका जो होता है वो होता है वर्क डन। वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करना होगा तो वर्क डन को आप ज़्यादातर कैलकुलेट करोगे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ 1 to 2। 1 to 2 क्या है आपकी पोजिशन पी डी, वॉल्यूम में चेंज होना ही चाहिए, और अगर वॉल्यूम में चेंज 0 है तो वर्कन क्या होना हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल वर्कन कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्कन कितना होता है, 0, किसका, रिवर्सिबल। ठीक है, दूसरी चीज आपका अगर पी वी कर्व दिया होगा, ठीक है, मान लो किसी सिस्टम के लिए आपका पी वी कर्व दिया हुआ है, पी डी ऐसा कुछ कर्व दिया हुआ है, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, तो ये पी वी कर्व में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है, ये एरिया अंडर द कर्व जो आप कैलकुलेट करो तो वो इसी से आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया अंडर द कर्व आपका वर्क डन होता है, वर्क डन। तो ये वर्क डन कैलकुलेट कैसे करोगे, ये होता है 1, 1 पॉइंट की प्रॉपर्टी 1 to 2 पी डी। ये 1 क्या है, वी 1 एंड वी, तो भी चीज़ें किसके साथ चेंज हो रही है, वॉल्यूम के साथ में, इसलिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, वी 1 और वी 2, ये आपका होता है वर्क डन। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व गिव वर्क। ओके,